सुबह का नाश्ता है फुलका एंड लोबिया फ्राई, और आज मैं प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाती हूँ। थैंक यू भगवान जी खाना देने के लिए। गणेश चतुर्थी के दिन बापा की इच्छा से आज बहुत दिनों के बाद अंडमान में धूप निकला है एंड साथ में स्काई का कलर देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है। हम वैसे तो कुछ पूजा नहीं कर सकते, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी इस बार पापा घर आएंगे और उनका सेवा करूँगी, लेकिन पापा के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, पापा जो चाहते हैं वही होता है। ठीक है पापा, कोई बात नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आशा करते हैं कि आप लोग घर कोई अच्छे हैं, खुश है, घर पर सही सलामत है। आज है 19th of September, मतलब आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको गणेश चतुर्थी का बहुत सारा शुभकामनाएं। मे यू गॉड ब्लेस अस ऑल। एंड इसी नोट के साथ मैं भी दोपहर को व्लॉग शुरू कर रही हूँ। दोपहर को इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये था आज मैं नहा धो के ही व्लॉग शुरू करूँगी, एंड काम आज चल रहा है मेरा, आज ऑफिस है, मम्मी का बस छुट्टी है, बड़ा भाई और मेरा दोनों का ही ऑफिस है। सो मैं आज अभी काम कर रही थी, अभी आई हूँ, नहाई हूँ एंड अभी खाना खाएंगे, लंच करेंगे। मैं आज फास्ट में नहीं हूँ, घर पे बस वही जो नित्य पूजा है वही हमने किया है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, एज़ यू ऑल नो बार बार नहीं बोलूँगी। शाम को देखते हैं, कुछ तो प्लान है एंड आई होप गन्नू मुझे बुलाएंगे बहुत जल्द, तो देखते हैं। चलो घर पे जाके खाना खाते पहले। ये है चावल, मटर पनीर माय फेवरेट, और ये है एक मिक्स वेजिटेबल जिसमें कि करेला डाला गया है, करेला, आलू, बैंगन और कच्चा केला। ये हमारे घर में बनता है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। इसको कहते हैं तीतार तरकारी हमारे घर में, ये मतलब पहला इससे खाना खाएंगे। साथ में है साग, ये कौन सा साग है, मालोंचो साग, इसमें अनियन गार्लिक कुछ भी नहीं दिया गया है, और है काकरोल फ्राई, मतलब काकरोल भाजा। सो यही है आज खाने में। शाम का बज रहा है 6:15 और अब जाके मेरा ऑफिस का काम फिनिश हुआ है और अब जाके मैं निकलूँगी। अभी हाफ रेडी हूँ, हाफ बाकी है, थोड़ी देर में आती हूँ। सो वी आर रेडी और अभी हम लोग निकले हैं गणपति उत्सव देखने के लिए, जाने के लिए। तो मैं, छोटा भाई और मम्मी जा रहे हैं, बड़ा भाई और नानी घर पे रुक रहे हैं क्योंकि नानी मतलब ये कीचड़ में नहीं निकल सकती है। पहले देखते हैं कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे आपको साथ लेकर जाएंगे। चलिए गणपति बप्पा मोरिया। पहला पूजा हम छोलदारी का देखे थे, वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया, हम ऐसी दूर से ही बस देखे, वो वहाँ पे उतरे नहीं। और ये है पोर्टमोर का पूजा, ये वीकेवी पोर्टमोर स्कूल के ठीक सामने छोटी सी एक मंदिर है, यहीं पे पूजा हो रही है और यहाँ पे हम उतरे नहीं क्योंकि पार्किंग का समस्या था। उसके बाद हम चले आए तुष्णाबाद में, कम्युनिटी हॉल पे एक पूजा होती है। पहली बार इस एरिया पे आई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर भी इतनी बड़ी सी एक रोड है, कॉलोनी है, बहुत अच्छे अच्छे घर भी यहाँ पे हैं। ये तुष्णाबाद, इसको शायद कहते हैं बंगाली बस्ती, ऐसा कुछ तो है। और यहाँ पे मेरे छोटे भाई के बहुत सारे क्लासमेट्स रहते हैं, उनमें से एक रचना एक है जो मुझे भी दीदी मानती, उन्होंने बुलाया था यहाँ पे। अभी हम लोग आए हैं तुष्णाबाद में, यहाँ पे मेरे छोटे भाई को खास इनवाइट किया गया है, सो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। 2023 का जो पहला गणेश जी का मूर्ति मैंने देखा है वो तुष्णाबाद के गणेश पंडाल पे जाके मैंने देखा है। ये कम्युनिटी हॉल पे पूजा हो रही थी एंड हम जब गए थे तभी यहाँ पे आरती चल रही थी और साथ में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे शुरू होने वाली थी तभी, लेकिन हम जस्ट मूर्ति देख के चले आए वहाँ से। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गैरी शर्मा, हम बस तुष्णाबाद का पूजा देखे एंड देन छोलदारी सोच रहे कि कल जाएंगे या फिर देख लेंगे क्या होता है। अभी हम गैरेज में एंट्री कर रहे हैं। अच्छा, सिनेरियो तो बहुत ज्यादा है। ओके, तो अभी हम लोग गैरेज में नहीं जाएंगे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। वैसे मैं आपको गैरेज शर्मा का, वाओ कितना सुंदर यहाँ पे लाइटिंग किया है, ये ना रख ले मैं गाड़ी रही थी यहाँ पे, इसके ऊपर हो रहा है। और शायद एक पूजा इस तरफ में शायद होता है ना, कॉलेज का वहाँ पे भातु में तो होगा भाई कहीं ना कहीं। हाँ, भातु बस्ती में एक मंदिर है, वहाँ पे होगा, बस वो विनायक का मंदिर है शायद, मतलब गणेश का और एक नाम है। ओ भाई हटिए, ये शायद ओपनिंग हुआ है कि क्या हुआ है, नहीं ओपनिंग तो नहीं, कुछ तो होगा। ठीक है, मैं आपको,
एक्चुअली कल ही विश्वकर्मा पूजा गया ना, तो इसलिए हर जगह पे लाइटिंग लाइटिंग है, क्योंकि आज विसर्जन नहीं करे है। तो हम लोग जब जाएंगे ना यहाँ से घर के तरफ, तब हम लोग गैरेज शर्मा का उस मंदिर पे जाएंगे जहाँ पे कि अभी हम यहाँ आपको दिखाया है। अब हम उस तरफ जो जा रहे बाजार के तरफ, देखते कि कहाँ जाएंगे। इस मंदिर पे मैं उस दिन आई थी, ये मंदिर बहुत सुंदर है, मजा नो ये मंदिर अनेक सुंदर। यहाँ पे भी पूजा हो रही है, गैस लेकर जा रहे। अच्छा बाहर बिठा है, बहुत सुंदर है माँ। वाओ खूब सुंदर। भातुबस्ती में यहाँ पे मोस्टली बंगाली शॉप्स है, यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा होगा ही। ये देखिए यहाँ पे हुआ है, इस दुकान पे तो होगा ही, यहाँ से ये दुकान में होगा, नहीं इस दुकान पे हुआ नहीं है। और विनायक का मंदिर है यहाँ पे, देवी स्टोर के ठीक पास में है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, वो देखिए थोड़ी बहुत लाइटिंग आपको दिख रही है वहाँ पे है। ये है भातुबस्ती का विनायक का मंदिर, ये देखिए। ये मंदिर बहुत पुराना है और हमेशा से ही यहाँ पे पूजा होता है, साउथ इंडिया रीति रिवाज से। दुकान खुल से किसी दुकान कपड़े दुकान मिस्टर मैन चले गया। रास्ता को तो खाली रखते हो, मन तृप्त हो गया आज। भातुबस्ती में आज बहुत कम ट्रैफिक है, बिकॉज ऑफ गणपति उत्सव। हमरा माँ मुंबई गेसिलाम एरकम समय माँ। ये एयरपोर्ट का एंट्री के पास से हम क्रॉस हो रहे हैं और यहाँ पे हमेशा पूजा होती है। इस जगह का नाम एग्जैक्टली मैं अगर बोलूँ तो VIP रोड है, लेकिन इस मंदिर का नाम मुझे नहीं पता है। मैं कभी भी ये मंदिर पे गई नहीं हूँ, लेकिन ये मंदिर भी बहुत पुराना है और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इस मंदिर पे मैंने सुना है, आई एम नॉट दैट श्योर, बट इसी मंदिर पे 1000 मोर देन 1000 किलो एक्चुअली एक लड्डू यहाँ पे दिया गया है फोर सीज़न के तरफ से। सो मुझे जाने का अब तो बहुत मन था, लेकिन पार्किंग में इतना ज़्यादा गाड़ी देखकर और भीड़ देखकर मैं गई नहीं। और एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, जिसके लिए मेरा तबीयत मुझे थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था। तो यहाँ से बस दूर से ही दर्शन करी एंड गाड़ी से एक्चुअली बप्पा नज़र आ रहे थे तो उनको नमस्ते दूर से ही कर दिया। और भीड़ देखिए, मतलब भाई तो बोल रहा था कि मुझे बहुत दूर गाड़ी रुकाना पड़ेगा फिर ही तुम जाना। उसके बाद हम चले गए मरीना पार्क में। अभी हम आए हैं फूड कोर्ट के पास में, एक जगह पे पूजा हो रही है वहाँ पे। सो यहाँ पे जाएंगे, देखिए ये मरीना पार्क के ठीक पास में है। गणपति जी का आशीर्वाद है उसमें, 15 KG और 1 5 KG का लड्डू। 22 तारीख को ओपन किया जाएगा, आपको फोन किया जाएगा, एड्रेस और फोन नंबर दे दी जाएगा। चप्पल और शू थोड़ा साइड साइड में कर लीजिए, गणपति जनक चप्पल और शू थोड़ा साइड साइड में रख लीजिए। घर से जब निकले थे तब बड़ा भाई बोल दिया था कि मरीना पार्क फूड कोर्ट के पास जाना और वहाँ पे मूर्ति देखना बप्पा का, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जाने के बाद सच में हम मंत्रमुग्ध हो गए बप्पा को देख के। रेड कलर का शॉल और साथ में ब्लू कलर का धोती में बप्पा बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत बड़ी मूर्ति थी। एंड बड़े से भी ज़्यादा बप्पा यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहे थे, उनका सिंहासन तो देखिए कितना सुंदर है। जिन्होंने बप्पा को बनाया है वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। और साथ में आप बप्पा का ऑर्नामेंट्स भी देखिए, छोटी सी जगह पे बहुत अच्छे से मैनेज यहाँ पे किया गया था। और साथ में यहाँ पे ना लड्डू भी बिक रहा था, मतलब बप्पा को जो चढ़ाए थे ना उसी का ही यहाँ पे टोकन दिया जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ 100 किलो का एक लड्डू था और एक शायद 15 किलो का, मैं भूल गई एग्जैक्टली। और बाहर का डेकोरेशन कुछ ऐसा था, बहुत छोटी सी जगह पे ही लाइटिंग लगाया था। बप्पा गणपति बप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लौकरिया। अब इस वजह से जाना हमारा मतलब आइडिया ही नहीं था। कहते हैं ना बप्पा को अगर लेना होता है कहीं पे, अगर उनको दर्शन करवाना हो तो वो कहीं ना कहीं से आपको करवा ही देंगे। ये है स्टैंड जो ST स्टैंड है,
वो वे वहाँ से मोहनपुर वाली रोड, मोहनपुर मार्केट वाली। तो यहाँ से जैसे हम जा रहे थे तब मेरी मम्मी ने कहा कि यहाँ पे ना बहुत बड़ी एक पूजा होती है, और मेरा छोटा भाई कह रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, मैं तो रुक ही नहीं पाऊँगा। और बात सही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मम्मी ने कहा कि मतलब मम्मी ऐसा कभी भी बोलती नहीं है कि मम्मी को कहीं पर जाना है या फिर नहीं, लेकिन मम्मी बस लिटिल बिट गिविंग अस हिंट कि मम्मी को वहाँ पे जाना है। मम्मी यहाँ पे आई थी, मम्मी ने मुझे बताया। तो मम्मी ने कहा कि मोहनपुरा मार्केट पे बहुत अच्छा पूजा होता है, ये देखिए मोहनपुरा पूजा पंडाल की तरफ से पूजा है एक्चुअली। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, जब मम्मी को मन है तब तो जाना ही पड़ेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना भगवान खुद बुलाते हैं, तभी हमारे अंदर से वो एक अट्रैक्शन उस पर्टिकुलर मंदिर पे या फिर मंडप पे हमें फील होता है। ये मैंने खुद फील किया है वो एनर्जी को, इसीलिए मैंने जैसे ही देखा कि मम्मी को वहाँ पे जाना है, मैंने मम्मी को बोला कि चलो जाते हैं। एंड सच में यहाँ पे मंडप इतना सुंदर था, और जैसे ही हम उस मंडप पे एंट्री करें చాలా అందంగా ఆలోచించాసులు చాలా సంతోషించి అయ్యా బాగా ఆడారు మీ అందరూ కాబట్టి మీకు కావాలా కోరుకొని అన్నారంట అయ్యా మరి మాటిస్తే తప్పకుండా అయ్యా। इन वन वर्ड डिवाइन फीलिंग था, बहुत अच्छा लगा। और मम्मी यहाँ से निकल के बोली कि मेरा सपना सार्थक हो गया वहाँ पे जाके। यहाँ पे देखो प्रसाद में दिया गया था लेमन राइस। उन पूरा मार्केट का भी मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ज़्यादा सुंदर। मूर्ति तो हर जगह पे सुंदर है। उसके बाद हम चले गए थे एसटी बस स्टैंड के वहाँ पे, जो छोटी सी एक पंडाल बनी थी वहाँ पे, और वहाँ पे बप्पा का दर्शन करे। एंड देन घर की तरफ जा ही रहे थे कि हमें जंगली घाट पे पंडाल दिख गया। यहाँ पे मैं एक बार गई थी, वहाँ पे वीडियो भी बनाया था। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी चलो यहाँ पे जाते हैं और बप्पा का दर्शन करते और प्रसाद भी खाते वहाँ पे। तो यहाँ पे बप्पा का जो डेकोरेशन था बहुत सुंदर था। आपको पता है फ्यू इयर्स अगो, मतलब बिफोर 2006 और 7, अंडमान में इतना ज़्यादा गणेश उत्सव का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। बट धीरे 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 लोग बाहर से आ रहे, यहाँ से लोग बाहर जा रहे, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा होती है। यहाँ पे दर्शन करे, खाना खाए, उसके बाद हम चले गए ग्यारह शर्मा की तरफ, जिस पंडाल में जाना था ना आते वक्त बताया था, उसी पंडाल में। और आज जहाँ जहाँ पे गए वहाँ पे बप्पा ने ही हमें बुलाया, इसीलिए हम गए ये मंदिर पे। तो मैं आपको जब बोलूँगी तभी आपको समझेगा। आपको पता ही है इस बार मेरे दादाजी का डेथ हो गया है, सो हम कहीं पर भी इस बार प्रणामी नहीं देते हैं। अभी हम आए हैं ग्यारह शर्मा में गणेश पूजा में, जो कि हम बोल रहे थे जाते वक्त आएंगे, ये वही है। पहली बार आए इस तरफ हम, मैं कभी जोर पे नहीं आई। प्रणामी मतलब भगवान को जो हम दक्षिणा देते हैं ना वो। लेकिन इस मंदिर पे जाके, तब ना मंदिर बंद हो गया था, हम जब इस पंडाल पे गए, हम जैसे ही गए वहाँ पे एक लड़का भाग कर आया। एंड आते साथ वो जो प्रणामी का जो प्लेट है जिसमें दिया रखा रहता है, चंदन रखा रहता है, उन्होंने वो दिया जला दिया। और एज ही ऐसा लगा कि भगवान ने बोला कि यहाँ पे मुझे दर्शन का दक्षिणा देना। एंड मम्मी ने तुरंत बैग से 11 या फिर आई डोंट नो कितना था उतना निकाल कर भगवान को दे दिया। तो ये सारा ना भगवान का इच्छा होता है, उनका पावर होता है। कभी कभी आप देखना, आप बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपको मिलता नहीं है, ये इसी का ही एक एग्जाम्पल है। मानती हूँ कि बापा का इच्छा था, इसीलिए हम जहाँ जहाँ पे गए उन्होंने ही बुलाया। इवन यहाँ पे भी अभी बंद हो रहा है और अभी हम लोग गए हैं दर्शन करके उनका, बहुत अच्छा लगा सच में। मैंने तीन एक्टर जगह मंदिर ऊँचे थे तब पर आरक्टर रखा था मैंने। वो बड़ो बड़ो मूर्ति ना भालो शाजे बट भालो शाजे से सेलेरा अकोन उठा चे माइक टेक शो बाहरे कॉला का सो खुले दस। ये हो गया ग्यारह शर्मा का एग्जिट। इस तरफ में जाओगे बाजार, इस तरफ में जाओगे चंदाड़ी धनी खड़ी। पहुंच गए हैं घर, पार्किंग हो रही है गाड़ी, और चलो अभी उधर के जाते कुली से मिलते हैं। प्रिंसेस ट्रीटमेंट देखिए। मैं थकी हारी पूरे दिन काम करके घूम फिर के अभी जब आई हूँ, उसके लिए पैर दबाना पड़ेगा मुझे। अदरवाइज मुझे क्या सुनने मिलता है पता है कोला? क्या सुनने मिलता है मुझे? क्या सुनने मिलता है कोला मुझे?
पापा का बहुत ज़्यादा इच्छा था कि आज हम हर जगह जाके उनको देखेंगे, और मैं हमेशा ये बात मानती हूँ, पापा का ही इच्छा होता है हर चीज़ में, मतलब ऊपर वाला जो चाहते वही आपके लाइफ में होता है। लास्ट टाइम मैं गणेश पूजा में मैं उनका दर्शन तक नहीं कर पाई, आरती उनके सामने हो रहा था बट फिर भी मैं वहाँ पे जा नहीं पाई, और इस बार थैंक यू। एंड मुझे ये भी पता है मुझे अपकमिंग डेज में भी बहुत सारा उनका और भी दर्शन मिलेगा, आई हैव दैट इमेंस ट्रस्ट ऑन हिम। ओके, सो इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, एंड कल मैं मिलती हूँ, कल देखते हैं कल क्या करते हैं। ओके, बाय बाय, आई लव यू ऑल, कीप लविंग योर सेल्फ, कीप ट्रस्टिंग ऑन द यूनिवर्स, ऑन द गॉड, जो भी नाम आप बोलो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।